तो ये देखिए यहाँ पूरा प्रसाद मिल रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन रायपुर का और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों उज्जैन महाकाल। तो अभी 7 बजे हैं, अभी हम लोग ऑटो से आ गए हैं और ट्रेन सर 8:30 तक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ट्रेन दिखा देती हूँ थोड़ा सा। खूब पानी भी अभी गिर रहा है, हम लोग जब ऑटो में थे तो अभी भी थोड़ा बहुत गिर ही रहा है पानी दोस्तों। जैसे हम लोग ऑटो में बैठे पानी स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग गेट नंबर 3 में हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और हम लोग अभी जाएंगे 2 में, है ना? 2 में जाएंगे हम लोग, अभी 2 में जाएंगे। पानी गिर रहा है इसलिए यहीं पर रुके हुए हैं, अभी तो टाइम है 1 घंटा। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग तो बने रहिए आगे और देखने के लिए। तो अभी हम लोग दोस्तों ब्रिज से चढ़ के उस पार जाना है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, अभी हम लोग 1 में हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और मैं देखिए ऊपर में ट्रेन के ऊपर सीट में सो रही हूँ, मेरा बेटा नीचे में और अभी 10 बज गया है और अभी हम लोग अब सो रहे हैं दोस्तों, सवेरे मिलते हैं। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों उज्जैन आ गए हैं और यहाँ का होटल में अभी हम लोगों ने फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं महाकाल दर्शन। हम लोग यहाँ पे 1:30 बजे यहाँ पे आ गया था दोस्तों बस, और हम लोग खाना वाना खा के यहाँ पे एक होटल ले लिए हैं और यहाँ से फ्रेश वगैरह होके तैयार होके अभी करीब 4:45 हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो देखते हैं महाकाल का दर्शन होता है कि नहीं। तो चलिए आप लोग वीडियो भी बने रहिए, क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हम लोग जो रुके हैं वाला रूम, एसी वाला रूम है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और बस अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पूरा प्रसाद मिल रहा है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए हैं दोस्तों महाकाल का। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग महाकाल मंदिर का दर्शन करके आ गए हैं और देखिए अभी भीड़ काफी कम है, बताते कि बहुत भीड़ रहता पर आज थोड़ा सा कम है, देख सकते हैं। जल्दी से दर्शन भी हो गया और इसके बाद हम लोग और जाएंगे बाहर सिटी वाला घूमने के लिए, क्योंकि ऑटो 500 में घुमा देगा बता रहे, तो चलिए वहाँ चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों मतलब उज्जैन के बाहर घूमने जा रहे हैं, जो कि 3 घंटे में घुमा देगा ऑटो वगैरह जो रहता है, 500 रुपये लेते हैं और बाकी सभी जगह घुमा देते हैं। अभी हम आ गए हैं दोस्तों उज्जैन में संदीपनी मुनि आश्रम में, जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम और सुदामा ने यहाँ पे शिक्षा ली है और श्री कृष्ण ने यहाँ पे 64 कलाएँ जो सीखे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दीवारों में इसका ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर मतलब श्री कृष्ण और बलराम सुदामा के गुरु है संदीपनी मुनि जो है, और देखिए पूरा 64 कलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है जो श्री कृष्ण ने यहाँ पर सीखा है। और यही वह जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम सभी विद्या यहाँ पर सीखे हैं, जैसे कि धनुर्विद्या और भी विद्या जो भी है उसे यहीं पे ग्रहण किए हैं। और यहीं एक गार्डन भी है दोस्तों, ये देखिए, और यहीं पर एक कुंड भी है जिसे कि गोमती कुंड बोला जाता है। तो हम लोग भी गोमती कुंड के पास पहुंच चुके हैं और कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे थे सभी लोग। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुंड है और इसके बाद हम दूसरे जगह और जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर भी आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं, जो कि ऑटो में अगर आप घूमेंगे दोस्तों 3 घंटे में आपको पूरा उज्जैन में जहाँ जहाँ घूमने लायक है वो आपको घुमा देंगे। तो हम लोग को भी करीब 3 घंटा लग गया था घूमते घूमते तीन सभी जगह को। अब हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो इस मंगलनाथ मंदिर में दोस्तों जिसको मंगल दोष होता है उसका मंगल पूजा होता है और भात पूजा भी होता है और यहाँ पर नवग्रह पूजा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी पूजा यहाँ पे होता है दोस्तों और सभी का चार्जेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और सवेरे 7 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होता है दोपहर में। अगर किसी के कुंडली में दोष है तो आप उज्जैन आकर यहाँ पर भात पूजा मंगलनाथ का पूजा आप करवा सकते हैं। यहाँ मंगलनाथ मंदिर है और यहाँ नवग्रह शांति का भी पूजा होता है। तो हम लोग घूम कर आ गए हैं दोस्तों, सभी जगह घूम लिए, ऑटो बुक किए थे 500 में, वो सभी जगह घुमा दिया है, काल भैरव काली मंदिर और भी बहुत सारा। तो अभी करीब हम लोग खाना खाते हुए वापस आए, तो अभी 9 बज गया है, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं और उसके बाद सवेरे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो सवेरे हम लोग जाएंगे कल ओंकारेश्वर, हो सकता है प्राइवेट कार करके जाएंगे, बस भी चलता है, पर कार में जाने से अपने हिसाब से आ जा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फिर आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ।